हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट। पहले जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म का जनरल आइडिया, जिसमें हमने लिया था फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, क्वांटोसोम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का जनरल आइडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा। अब हम ले लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले लेते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से पहले या लाइट रिएक्शन को ही कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। आगे फोटो शब्द लगाया हुआ है, इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसा ही प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो श्वसन में क्रैब साइकिल में जो एटीपी बनते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दो शब्द आ गए, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का निर्माण ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए, पहले ये माना जाता था कि जो प्लांट है उनमें एटीपी का फॉर्मेशन केवल और केवल श्वसन में ही होता है, लेकिन बाद में कुछ कॉन्सेप्ट आए जिससे पता चला कि खाली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी श्वसन में बनने वाले एटीपी ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके दो कारण थे। पहला तो देखिए, श्वसन की जो दर होती है वो प्रकाश संश्लेषण से काफ़ी स्लो होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो एटीपी चाहिए वो श्वसन में बनने वाले एटीपी से उनकी पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इसका मतलब कहीं और से भी बन रहे हैं। दूसरा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन अनऑक्सी श्वसन करते हैं, यानी एनएरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन नहीं होता लेकिन फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन श्वसन के अलावा भी किसी और पाथ पर होता है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे अर्नॉन, और उनके सहयोगियों ने क्या किया, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिया, मतलब लैब के अंदर क्लोरोप्लास्ट को कोशिका से बाहर निकाल लिया, फिर उसके अंदर लाइट को देखकर जब उसकी रिएक्शन करवाई तो उन्होंने देखा कि उसमें लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये शब्द इन्होंने ही दिया था। तो इस प्रकार से फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हुआ। फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शन जो है वो उसके दो भाग होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो पहले हम ले लेते हैं साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन का मतलब होता है, ये देखिए इसका एक जनरल डायग्राम है। साइक्लिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला, इसमें जो मेन सेंटर होता है वो होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं P700। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले P700 से निकलता है, विभिन्न स्टेप से होता हुआ यह वापस कहाँ आ जाता है, P700 के पास में। तो इलेक्ट्रॉन एक साइकिल से निकला है, वापस वहीं आ गया जहाँ से निकला था, तो साइकिल कंप्लीट हो गया, इसलिए इसे कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ये लेगा सनलाइट, इसका जो सेंटर है उसे कहते हैं P700। हमने पहले डिस्कस किया था P700 वास्तव में क्लोरोफिल ए का एक अणु ही है जो सेंटर होता है। तो P700 ने लाइट की उपस्थिति में एक्साइटेड हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाता है फेरेडॉक्सिन, जो कि फेरस सल्फर प्रोटीन है, या फिर जाता है, ये कई कॉन्सेप्ट कहते हैं कि फेरस सल्फर प्रोटीन से पहले आता है प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन और फेरस सल्फर प्रोटीन में से कोई एक होगा, यदि दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करने का कहे तो हम करेंगे प्लास्टोक्विनोन। वहाँ से ये जाता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से वापस P700। इस साइकिल में साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के मध्य जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो ADP के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी IP जोड़कर ATP बना देती है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पिगमेंट सिस्टम होता है, तो फर्स्ट किस रेडिएशन पर कार्य करता है या कौन इसका रिएक्शन सेंटर है, तो P700। और साइकिल का जैसे कई बार सीक्वेंस पूछा जाता है, जैसे तो 700 P700 से फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 देन F, और ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में इसका जेड जैसा सिंबल आ रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं जेड रिएक्शन। इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वापस उस स्थान पर नहीं आता। तो देखिए H2O से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जबकि जाता किसके पास है, NADPH2 के पास। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला था वापस वहीं नहीं आता है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। तो देखिए यहाँ सबसे पहले रिएक्शन शुरू होती है वाटर के मॉलिक्यूल से। वाटर के चार मॉलिक्यूल आते हैं यहाँ पे। वाटर के मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में कुछ एंजाइम्स और MN धातु, क्लोरीन धातु की, क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में टूट जाता है। MN बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये टूटता है, ये टूटता है H+ और OH- में। H+ जो है ये तो आएंगे लास्ट में काम में, OH- जो है वो इस प्रकार से रीअरेंज होते हैं कि वह ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जनरल मैकेनिज्म या जनरल रिएक्शन जो अपन पढ़ते हैं, 6CO2 12H2 इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2। तो ये जो O2 और H2 है वो यहीं बनते हैं, ठीक है। फिर H+ लास्ट में काम आएंगे। जब OH ऑक्सीजन और वाटर में बदलेगा तो जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो इस चेन में चलेंगे। तो वाटर से इलेक्ट्रॉन आए, पहले जाएंगे पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास में। पिगमेंट सिस्टम सेकंड का रिएक्शन या ट्रैप सेंटर होता है 680। तो ये 680 के पास में आएंगे, ठीक है। ये देखिए 680, यहाँ से ये जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास में। प्लास्टोक्विनोन से ये जाएंगे साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F, देन प्लास्टोसाइनिन। फिर ये आता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास में। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से ये वही फेरेडॉक्सिन से, फेरेडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन देता है NADP+ को। NADP+ को जब ये देता है तो एंजाइम आता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP+ इन इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से जो हाइड्रोजन लिया था उनको लेकर बदल जाएगा NADPH2 में। तो देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आपको कुछ डिटेल नहीं है, एज इट इज़ पूछ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड किस में होते हैं, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। तो सेकंड पहले आता है, फर्स्ट बाद में आता है। कौन सी धातु होती है पानी के टूटने में, तो MN होती है। फिर ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो साइटोक्रोम B6 से F के पास में होता है। फिर इन दोनों के पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो उसे कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। पिगमेंट सिस्टम सेकंड से पहले कौन लेता है, तो प्लास्टोक्विनोन। इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए साइक्लिक में केवल ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ATP के साथ साथ में NADPH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखिए ये इसकी डिटेल लिख रखी है। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में अंतर। नॉन साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इसमें केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कार्य करता है। जो नॉन साइक्लिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर होता है, जबकि इसके अंदर क्लोज साइकिल है, क्लोरोफिल के अणु से निकलकर वापस वहीं आ जाता है। नॉन साइक्लिक में NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस होता है और यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और फिर ये इसकी सीक्वेंस है, ये ग्रीन प्लांट में ही पाया जाता है नॉन साइक्लिक, जबकि साइक्लिक जो है वो आपको कुछ बैक्टीरिया में भी मिलेगा। यहाँ पे साइटोक्रोम B6 और F के बीच में ATP बनता है, यहाँ पे भी बनता है। तो ये कुछ अंतर है इसकी कंपेरेटिव स्टडी। फिर लास्ट में देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वॉट कई बार थियोरेटिकल एग्जाम में पूछा जाता है, वॉट इज़ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक, देन वाटर का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना क्या है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जो मैंने आपको बात करी थी कि देखो ऑक्स के वाटर के चार मॉलिक्यूल हैं, ये 4H+ 4OH- में टूट रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम आता है MN की प्रेजेंस में, ये OH और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। OH इस प्रकार से रीअरेंज होता है कि ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसे ही कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखिए प्रदीप्त यानी कि जिनके पास प्रकाश है वो क्लोरोप्लास्ट में वाटर के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटने को जल का प्रकाश अपघटन या फोटोलाइसिस कहते हैं। ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं जो मैंने आपको बताया वो डिटेल में लिखा है। तो इस प्रकार फोटोसिंथेसिस के
एक स्टेप हुआ है अभी तक लाइट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहाँ पे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।